प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी की अवधारणा के तहत नागपुर में विभिन्न गतिविधियों को लागू किया गया है। इसका एक हिस्सा स्वराज्य महोत्सव का संगठन है, जिसे समाज के सभी स्तरों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि नागपुर की तृतीय पंथी थी जिसने भीड़ में ध्यान आकर्षित किया। नागपुर वैरायटी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शहर में कई तृतीय पंथी एकत्र हुए और राष्ट्रगान गाया गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने उत्तर और पूर्वी नागपुर में पेयजल आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। नागपुर शहर के चार क्षेत्रों आशीनगर, सतरंजीपुरा, नेहरू नगर और लकड़गंज में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है और अगले 48 घंटों तक प्रभावित रहेगी। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस की शुभ पुस्तक स्वतंत्र नाहत्य योद्धा का विमोचन किया गया। शुरुआत में कुल 1000 पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई। पुस्तक को शरद चौधरी और अनिल गाड़ेकर ने लिखा और संपादित किया है। इस समारोह में नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष और नाम प्रविप्रा के आयुक्त श्री श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी, बीपीएस एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बीती रात डीसीपी जोन 4 नूरुल हसन के मार्गदर्शन में हुडकेश्वर पुलिस ने एक वाहन को पकड़ा जिसमें 500 बोतल देशी शराब थी। पूछताछ करने पर चालक ने वडतगांव तालुका कुही में नकली देशी शराब की फैक्ट्री के बारे में बताया। फैक्ट्री में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लाखों रुपयों की मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई है। आरोपियों पर बॉम्बे अधिनियम के तहत और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच हुडकेश्वर पुलिस कर रही है। कल 17 अगस्त को कलेक्ट्रेट में 14 अगस्त से आयोजित अखंड भारत विभाजन पर विभीषिका प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। इस प्रदर्शनी में विभाजन की भीषण भयावहता को दर्शाया गया है। कलेक्टर आर विमला ने नागरिकों से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेतु केंद्र में आयोजित इस प्रदर्शनी में अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील की है। विदर्भ में उद्योगों को बिजली सब्सिडी दी जाएगी, यहां निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। नागपुर एजुकेशन हब बनता जा रहा है। यदि शिक्षा अच्छी गुणवत्ता की है तो कुशल जनशक्ति का निर्माण किया जाएगा, उद्योग धंधे आएंगे, इससे काफी रोजगार पैदा होगा, नागपुर के युवाओं को काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में इसके लिए प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता के जयंती वर्ष में अगले 25 वर्षों की योजना बनाने का ये सही समय है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में संदेश दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ब्राह्मण समुदाय को लेकर चंद्रपुर से कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 13 अगस्त को कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर ने एक बयान दिया जिसने चंद्रपुर जिले के भद्रावती में जातियों के बीच दरार पैदा कर दी। उनका बयान आपत्तिजनक है और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुलिस से बयान की जाँच करने और बालू धानोरकर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण पुलिस में नियुक्त मोटर वाहन चालक पीएसआई साहेबराव बहले का आज सुबह 8:30 बजे निधन हो गया। सरकारी वाहन की सफाई के दौरान उन्हें करंट लग गया। करंट लगने से उनकी मौत हो गई। मानकापुर के एलेक्सिस अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी रक्षाबंधन पर तिथियों को लेकर मतभेद खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विभिन्न पंचांगों की तिथियां अलग अलग बताई जा रही है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को हुआ था। इस बार भाद्रपद की अष्टमी 2 दिनों तक है। अष्टमी तिथि का प्रवेश इस बार 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को रात्रि में हो रहा है। इस कारण कई लोग 18 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। वहीं शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में उदया तिथि को सार्वभौमिक माना गया है, इसीलिए 19 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। वैष्णव संप्रदाय भी 19 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएगा। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि में इस समय राज्य में स्वराज्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सरकार ने इस उत्सव के तहत सामूहिक राष्ट्रगान गायन की नवीन अवधारणा को लागू करने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप आज सुबह 11 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी प्रसन्ना बिदरी के मार्गदर्शन में राष्ट्रगान गाया है।